हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है विंटर के फूलों को नर्सरी से जो लाए थे वो दिखाया था, और आज मैं उन्हीं में से पुटिनिया को जो है लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि उसके लिए मैंने कैसे मिट्टी तैयार की है और उस पौधे को कैसे लगाया है। तो ये मेरा गार्डन सॉइल है। इस गार्डन सॉइल में मैं जो ये देखिए, ये हमारा कोकोपीट है। इस कोकोपीट को मैं जो है इस गार्डन सॉइल में मिक्स कर लूँगी, और ये हमारा जो है ये वर्मी कंपोस्ट है, इसे भी मैं इसमें मिला लूँगी। और ऐसे मिलाने के बाद इसे अच्छे से जो है पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो मैं जो है पिटूनिया वो हैंगिंग प्लांट में लगाऊंगी। और हैंगिंग पॉट जो है मैंने खुद घर पे बनाया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये एक छोटा सा जो है ये टब है, और इसमें मैंने नीचे से होल कर दिए हैं, ये नीचे से होल कर दिए हैं और साइड से होल कर दिए हैं। ये मैंने पिछले साल बनाया था और इसमें पिटूनिया लगाया था, और अब की बार भी मैं इसी में जो है पिटूनिया लगाऊँगी। तो मैंने अपने मिक्स की हुई जो मिट्टी जो है इसमें भर ली है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। और ये हमारा पिटूनिया का पौधा है, और अब मैं इसे जो है इसमें लगाऊंगी। गर्मी के दिनों में मैक्सिकन पिटूनिया आती है, और ठंडी के दिनों में आपकी ये वाली पिटूनिया जो है आती है। तो सबसे पहले हम लगाने के लिए जो है इसमें बीच में होल कर लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, ताकि हमारा पौधा जो है सेट हो सके। और अब हम इसको यहाँ पे जो है बीच में ऐसे रख देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जब भी आप किसी पौधे को लगाएं, तो जैसे ये जो ख़राब लीव्स हैं और जो फूल खिल चुके हैं, सूख चुके हैं, जैसे कि ये, इसको जो है आप यहाँ से हटा के फेंक दें, ताकि आपका जो है नई ग्रोथ हो सके पौधे की, और आपका पौधा जो है अच्छे से पूरा ग्रो कर सके, लग सके। तो हम इन सारे ख़राब जो है लीव्स हैं इनको हम ये देखिए, ये सारे ख़राब लीव्स को जो है मैं फेंक दूँगी तोड़ के। ये देखिए, इसके नीचे भी येलो और ख़राब लीव्स हैं, इससे फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए हम इसे जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये सारे लीफ जो है मैं हटा दूंगी चारों तरफ से। अब हमारा पौधा जो है सेट होने के लिए तैयार है। तो अब हम इसमें जो है चारों तरफ से इसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर देंगे ताकि मिट्टी जो है पूरे अच्छे से जो है बैठ जाए। तो थोड़ी मिट्टी और हम ले लेते हैं किनारे किनारे। अब हमारा पौधा जो है सेट हो चुका है, और अब हम इसमें जो है चारों तरफ से पानी डाल देंगे। देखिए, अब हमारा पौधा लग के तैयार है। तो गाइज, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो है आपको नए नए ऐसे वीडियो बना के दिखाती रहूं। थैंक यू गाइज़।